अब मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, जो भी मे बी आप एग्री करोगे इस चीज़ के साथ। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा टोटल 10 चीज़ें जो मुझे डोमिनार के बारे में सबसे ज़्यादा पसंद आई है। जब आप किसी भी बाइक के बारे में बात करना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहला चीज़ जो आता है वही मेरा जो है वो इस बाइक के बारे में सबसे फेवरेट है, जिसको हम लोग बोलते हैं मनी, यानी कि पैसा। तो ये जो बाइक है वो काफ़ी बजट में है और वो इसका सबसे प्लस पॉइंट है। और साथ में ही बजट नहीं, इसके साथ ही जो है इसके अंदर सारे फीचर्स है, यानी कि अगर आप देखो तो LED हेडलाइट्स, स्लीपर क्लच, इसके अलावा जो है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसके अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन दी है जो आपको नीडेड है, फिर दोनों ड्यूल चैनल ABS और फिर अपसाइड डाउन USD फोक्स और साथ में ही मोनोशॉक जो है वो सस्पेंशन, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सीट जो है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है और इसका लुक जो है वो भी काफ़ी सही है। तो लाइक जो भी आपको एक टूरिंग बाइक में चाहिए वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर है। प्लस इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको मिल जाएगी सुपर बजट में। लाइक अगर आप जो है वो दूसरी कोई भी बाइक लेने जाओगे तो आपको जो है वो बाइक का प्राइस थोड़ा सा हाई मिलेगा, लेकिन ये बाइक जो है वो आपको अभी प्राइस बढ़ा के कुछ 2,40,000 यहाँ मुंबई में मिल जाएगी। 10,000 प्राइस बढ़ा है, लेकिन जब मैंने लिया था तभी इसका प्राइस था 2,29,000। दूसरा चीज़ मुझे डोमिनार के बारे में सबसे ज़्यादा पसंद आया वो है इसका माइलेज, फ्यूल इकोनॉमी। ऑफकोर्स दोस्तों बाइक खरीदना सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसके अलावा जो है ये आपके जेब पे कितनी भारी पड़ने वाली है वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो माइलेज के बारे में मैं आपको बताता नहीं हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे तो आप देख सकते हो मुझे फ़िलहाल जो है वो कितना किलोमीटर्स पर लीटर मिल रहा है, और ये जो है वो कम से कम 300 किलोमीटर के बाद का चीज़ है। यस दोस्तों, ये जो बाइक है मैं 500 किलोमीटर अभी तक चला चुका हूँ, और उसके बाद मैं इसका कुछ प्लस पॉइंट्स और नेगेटिव्स आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने जैसे देखा कि मुझे फ़िलहाल जो है वो कुछ 29 KMPL जो है वो माइलेज मिल रहा है, और ये जो चीज़ है वो मैं सिर्फ आपको बताने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये बात जो है वो बाइक आपको बता रहा है, यानी कि मैं अपने हिसाब से कुछ भी चीज़ जो है वो आपको नहीं बता रहा हूँ। तो 29 KMPL इन द बिगिनिंग विद इन 500 किलोमीटर्स, ये जो है वो 400 CC की बाइक के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी सही चीज़ है। और जैसे आपको पता है कि लाइक फर्स्ट सर्विस अभी जो है इसका है, आई थिंक कल ही है, तो फर्स्ट सर्विसिंग का भी मैं वीडियो बनाऊँगा। और साथ में ही जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये चीज़ कि 29 KMPL जो है वो बहुत ही अच्छा माइलेज है, सर्विस के बाद इसका माइलेज बढ़ेगा यस ऑफकोर्स, पर अभी के लिए जो है मुझे सिटी के अंदर डेली ट्रैफिक में जो है ये मुझे माइलेज मिल रहा है 29 KMPL, जो मेरे हिसाब से काफ़ी सही है। तीसरा चीज़ जो है मुझे डोमिनार के अंदर सबसे ज़्यादा पसंद आया वो है इसका पावर। इसका पावर जो है वो अभी 2019 के मॉडल में बढ़ा के कर दिया है 40 BHP, जो कि इंडियन रोड्स के हिसाब से काफ़ी सही है। और अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूँ तो जैसे कल मैं जा रहा था ऑफिस, कल सैटरडे था और सैटरडे के हिसाब से जो है वो रोड खाली था, तो लाइक आप देख सकते हो कि यहाँ पे यार रोड खाली है और आप बाइक को जस्ट पुश करते हो, बाइक को थोड़ा सा एक्सलरेशन देते हो और बाइक सीधा रॉकेट की तरह निकल जाता है। तो ये जो चीज़ है वो मुझे काफ़ी सही लगा। और इतना ही नहीं, बाइक जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड पे होने के बावजूद भी इसके अंदर इतना पावर बचता है कि आप जो है वो ईजिली बहुत सारी चीज़ों को ओवरटेक कर सकते हो, बहुत सारे व्हीकल्स को ओवरटेक कर सकते हो रस्ते में आने वाले बहुत ईजी। पावर के साथ ही कुछ लोग जो है वो मुझे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि इसमें सर वाइब्रेशन होता है कि नहीं, तो इसके रिगार्डिंग जो है मैं आपको बताऊं कि कल जो है वो आफ्टर 500 किलोमीटर्स मैंने अपने बाइक को जो है वो पुश किया था लाइक 120 तक। एक्चुअली मैं ये नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे जो है वो इसका ब्रेक इन पीरियड जो है वो ख़त्म होने देना है, लेकिन फिर भी आप लोगों के रिव्यू बनाने के लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे, तो इसीलिए कल जो है मैंने 120 किलोमीटर तक पुश किया था। लेकिन 120 किलोमीटर जाने के बावजूद भी इसमें मुझे कोई भी वाइब्रेशन नहीं मिले। इसमें वाइब्रेशन मिलते हैं तब जब आप जो है वो सिक्स गियर में 60 या उससे बिलो होते हो, पर ऑफकोर्स यार आप सिक्स गियर पे 60 से नीचे तो जाने नहीं वाले हो। ये मेरा ब्रेक इन पीरियड टाइम है, यानी कि 2000 किलोमीटर्स तक मुझे जो है वो जैसे मैनुअल में लिखा है मैं वो चीज़ फॉलो कर रहा हूँ। सिक्स गियर में जो है वो आपको 60 तक चलाना है, और आफ्टर 1000 किलोमीटर ये जो चीज़ है वो बढ़ेगा। ऑफकोर्स अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं करोगे तो आपके बाइक जो है वो इन फ्यूचर जो है वो ख़राब हो सकता है या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए जो है मैं पहले 2000 किलोमीटर बहुत सही तरीके से इस बाइक को चलाने वाला हूँ। लेकिन मुझे जो है 120 किलोमीटर तक जो है वो कोई भी वाइब्रेशन नहीं मिला।
120 किलोमीटर की स्पीड होने के बावजूद भी इसमें जो है वो इतना पावर था कि और ये जो है वो बाइक आगे स्ट्रेच कर सके और आगे पुश कर सके। लेकिन यहाँ पे मुंबई में भी जैसे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है और पोर्ट होल्स आर एवरीवेयर, तो उसके वजह से जो है मैंने बाइक को पुश नहीं किया, सेफ साइड में सेफ जगह पर रखते हुए जो है मैंने इस बाइक को जो है वो सही तरीके से चलाया। लेकिन अगेन अगर मैं चाहूँ तो मैं इसके ऊपर जो है वो 120 के ऊपर जा सकता हूँ। और एक चीज़ जो है वो ये है कि आप ईजिली इसके ऊपर टूरिंग कर सकते हो विदाउट एनी वाइब्रेशन 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक। बाइक को स्पीड चलाना ही सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन उसको आप कितना स्पीड रुका सकते हो ये भी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो लाइक ब्रेकिंग के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका ब्रेकिंग जो है वो एक और पॉइंट जो है वो मुझे इसके बारे में सबसे ज़्यादा पसंद आया है। लाइक कल जो है जैसे मैंने आपको बोला कि 120 किलोमीटर की स्पीड तक मैं जा रहा था और 120 किलोमीटर की स्पीड से इंस्टेंटली जो है वो 40-30 की स्पीड में आना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो यही सेम चीज़ जो है मैं आपको बताऊँ तो डोमिनार में कल मैंने देखा कि कल जो है मैं इतना स्पीड जा रहा था, फिर अचानक से रास्ते में बीच में कुछ आ गया या खड्डा आ गया, तो उसके वजह से जैसे ही मैंने ब्रेकिंग किया तो बाइक जो है बहुत जल्दी स्लो हो जाता है। इसीलिए जो है वो इसका ब्रेकिंग जो है मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। प्लस अगर आपको मैं उसके बारे में बात करूँ तो इसके ABS मॉडल्स, तो अभी इसके ABS वर्जन जो है वो भी काफ़ी सही तरीके से काम कर रहे हैं और मुझे ABS में कोई भी तरीके का इश्यूज़ नहीं मिला है। और ABS के वजह से जो है वो आप काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हो और बाइक को जो है वो थोड़ा पुश कर सकते हो। तो ब्रेकिंग इज़ अनदर पार्ट जो मुझे जो है वो इस बाइक के बारे में पसंद आया। अब ब्रेकिंग तो एक अलग बात हो गया लेकिन इसके साथ जो है वो एक और चीज़ आता है जो कि आप जितना ज़्यादा राइड करोगे उतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो कि नहीं इस बाइक के ऊपर, यानी कि मैं अभी इसका बात कर रहा हूँ इसका कुशनिंग का और सीट का। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरा प्रीवियस बाइक जो है वो सुजुकी जिक्सर था, आप सब लोगों को पता था। मेरा ऑफिस जो है वो अंधेरी में है और मैं थाने टू डेली अंधेरी ट्रैवल करता हूँ, यानी कि जिन लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता उनको बता दूँ कि कंटिन्यूस डेली जो है वो मेरा 50 किलोमीटर्स अप डाउन होता है, यानी कि घर से लेके ऑफिस और ऑफिस से लेके घर। तो इस बीच में जो है वो सुबह जाने के टाइम पे तो जो है वो रोड खाली मिलता है लेकिन आने के टाइम पे शाम को बहुत ट्रैफिक मिलता है। अब इस ट्रैफिक के हिसाब से मैं आपको बोलूँ तो मुझे जो है वो शाम को आने के लिए काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होता था मेरे सुजुकी जिक्सर में, और लाइक 30-40 मिनट्स और 50 मिनट्स के बाद जो है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता था, मैं बाइक पर बैठ नहीं पाता था, एक हॉल्ट लेना पड़ता था। लेकिन डोमिनार का सीट जो है वो काफ़ी सही है, इवन जो है वो मैं 1 आवर 30 मिनट्स तक कंटिन्यूस ट्रैफिक होने के बावजूद भी डोमिनार के अंदर बैठूँ सीट के ऊपर बैठूँ तो मुझे कोई भी तरीके का अनकंफर्टेबिलिटी फील नहीं होता है। इसकी सीट्स जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल है और इसका कुशनिंग जो है वो काफ़ी सही है। लेकिन अगर जो है वो आप ज़्यादा लंबा लाइक 200-300 किलोमीटर्स का राइड करने वाले हो तो मेरे हिसाब से आप इस पे जेल सीट लगा सकते हो। बेसिकली मैं जो है वो अभी फ़िलहाल कुछ भी तरीके का मॉडिफिकेशन नहीं करूँगा, मैं जो है वो छोटे राइड्स लेके देख लूँगा जब तक मेरा 2000 किलोमीटर्स कंप्लीट नहीं होता, उसके बाद जो है वो जो भी तरीके का मॉडिफिकेशन है वो मैं इस बाइक के अंदर करूँगा। तो आप लोग सोचते रहोगे कि मैं यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे जो है वो आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। सीट तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया लेकिन सीट के साथ जो है वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ सस्पेंशन। ऑफकोर्स अगर आपके बाइक के सस्पेंशन अच्छे नहीं है तो फिर मतलब नहीं है बाइक चलाने में, और इसके जो सस्पेंशन है वो काफ़ी अच्छे हैं। फ्रंट में जो है वो USD है और रियर में मोनो सस्पेंशन है विथ नाइट्रॉक्स, तो ये जो है वो काफ़ी आपको कम्फर्टेबल राइड देते हैं, काफ़ी कम्फर्टेबल फीलिंग देते हैं जब आप बाइक के ऊपर बैठते हो। छोटे मोटे गड्ढे और छोटी मोटी चीज़ें जो है वो आपको ज़्यादा फील नहीं होगी, लेकिन ऑफ कोर्स आप अगर बड़ी जगह पे जाओगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन फिर भी जो है उसके सस्पेंशन काफ़ी अच्छे हैं। और ये जो चीज़ है मुझे डोमिनर के बारे में एक और चीज़ जो है वो पसंद आया है। सस्पेंशन के बाद एक नेक्स्ट चीज़ का बात करते हैं और वो है इसका हैंडलिंग। ऑफ कोर्स ये जो है वो बाइक पे बैठ के बताने में ज़्यादा मज़ा आता है इसलिए मैं बाइक पे बैठ के बता रहा हूँ आपको। मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कल जो है मैं ऑफिस से आ रहा था घर पे और ट्रैफिक था, तो ट्रैफिक में जो है वो यहाँ से वहाँ मैन्यूवरिंग करके जो है वो थोड़ा सा अगर आपको फास्ट निकलना है तो उस रिगार्डिंग डोमिनार जो है वो काफ़ी बेस्ट बाइक है। ये मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इसका हैंडलिंग जो है वो काफ़ी सही है, तुरंत जो है वो आप यहाँ से वहाँ टर्न ले सकते हो। हाँ ऑफ कोर्स आपको यू टर्न लेने में जो है वो थोड़ा तकलीफ होगा, उसका रीज़न जो है वो आप सिर्फ ये हैंडल को इतना ही घुमा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बोलूँ हैंडलिंग के बारे में, तो हैंडलिंग जो है वो काफ़ी सही है डोमिनार के बारे में। अगर मुझे इतने छोटे रोड में यू टर्न लेना पड़े तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर जो है जैसे मैं हाईवे पे चला रहा हूँ या रास्ते पे चला रहा हूँ और मुझे जो है वो लेफ़्ट टू राइट या फिर आप जिसको बोलते हो कि कट मार के चलाना है, तो उस चीज़ में जो है वो डोमिनार काफ़ी सही है। इसके वेट के वजह से आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलता है जो कि इसका एक और बेनिफिट है। तो स्टेबिलिटी की वजह से आप जो है वो ईजिली यहाँ से वहाँ करके ओवरटेक लेके जा सकते हो, ये डोमिनार के बारे में एक सबसे बेस्ट चीज़ है। हैंडलिंग जो है उसका काफ़ी सही है।
अब इन सब चीज़ों के साथ जो है वो नेक्स्ट चीज़ का बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला स्टेबिलिटी, तो इस बाइक का जो स्टेबिलिटी है वो रास्ते के ऊपर, हाईवे के ऊपर माइंड ब्लोइंग है। आप जो है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मैं यहाँ पर ट्रैवल कर रहा था, लेकिन मुझे कोई भी तरीके का जो है वो अनस्टेबिलिटी या फिर ऐसा जो है वो कि बाइक स्लिप हो जाएगा, स्कीड हो जाएगा, ऐसा कोई भी चीज़ जो है मुझे नहीं मिला बाइक के अंदर। और डोमिनार जो है वो स्टेबिलिटी के मामले में काफ़ी सही है। ऑफकोर्स इसका जो है वो ओवरवेट होना, यानी कि ज़्यादा वेट होना जो है वो काम आता है जब आप स्टेबल राइड करते हो। 120 में आप इजीली इसको क्रूज़ कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, और आपको जो है वो डाउट भी नहीं होगा। अब मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहूँगा जो भी मे बी आप एग्री करोगे इस चीज़ के साथ, और वो है पॉपुलैरिटी डोमिनार का। तो डोमिनार जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है लोगों के बीच में, और लोगों को ये बाइक जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। इवन जब आप जो है वो रोड पे चलाते हो, रास्ते पे चला रहे हो, ट्रैफिक में हो, रुके हो, या फिर जो है वो आप कहीं पर भी जा रहे हो, लोगों का ध्यान जो है वो ये 100% ग्रैब करती है। और ये चीज़ जो है वो देख के काफ़ी मज़ा आता है कि लोग जो है वो इस बाइक के अंदर इंटरेस्ट है, इस बाइक को पसंद करते हैं। और ये चीज़ जो है वो डोमिनार के बारे में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि आप कहीं पर भी हो, लोग जो है वो तुरंत इसको नोटिस करते हैं, तुरंत इसको देखते हैं। और कुछ लोग तो इतने ओवर एक्साइटेड रहते हैं कि अपनी बाइक को थोड़ा सा पुश करके नज़दीक आके पूछ लेते हैं कि भाई क्या है, कितना माइलेज है, कितना प्राइस है। और ये चीज़ मैंने अभी तक, अगर आप मुझे पूछोगे तो बहुत ज़्यादा बार ये चीज़ मैंने नोटिस किया है डोमिनार के बारे में। एक और चीज़ जो है दोस्तों डोमिनार के बारे में मैं बताना चाहूँगा वो है इसका हेडलाइट। और ये छोटा सा टिप है, मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ, इसका हेडलाइट जो है वो काफ़ी सही है और आपको जो है वो रास्ते पे काफ़ी हेल्प करेगा। आपको कोई जो है वो एक्स्ट्रा लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसका हेडलाइट जो है मोर देन इनफ है आपको रास्ते पे देखने के लिए। नॉर्मल जो है वो आप हेडलाइट पे जा सकते हो जब आप 60-70 के आसपास जा रहे हो, और जब आप ज़्यादा स्पीड में जा रहे हो तो आप इसके हाई बीम पे चला सकते हो, आपको काफ़ी दूर तक का काफ़ी क्लियर जो है वो विजन मिलेगा, और आपको जो है वो किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं होगा। मतलब जो है वो आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट जो कोई अदर बाइक लेके उसमें होने वाला है वो डोमिनार के अंदर आपका सेव हो सकता है। फाइनली जो है वो सबसे लास्ट पॉइंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ जो मुझे डोमिनार के बारे में सबसे ज़्यादा पसंद आया, और वो है इसका गियर स्मूथनेस। इसका गियर स्मूथनेस जो है वो काफ़ी सही है। और जैसे सुजुकी जिक्सर आपको पता है जो मैं चलाता था स्टार्टिंग में, वो काफ़ी स्टिफ था, और स्लो स्लो करके जो है वो थोड़ा सा स्मूथ हो गया। डोमिनार के बारे में ऐसा कोई इशूज़ नहीं है, वो स्टार्टिंग से ही जो है वो इतना स्मूथ है कि आप इजीली स्मूथ कर सकते हो, इजीली जो है वो शिफ्ट कर सकते हो अपने गियर्स को, और आप जो है वो बाइक चला सकते हो। कोई भी इसके रिगार्डिंग जो है मुझे इशूज़ नहीं मिला, और ये चीज़ जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप जो है गियर शिफ्ट करने में अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम निकालोगे तो मे भी हो सकता है कि आपको ये चीज़ जो है वो पसंद नहीं आए। सो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया है। और अगर आपको कुछ भी डाउट है डोमिनार के बारे में तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक इट। नए हो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है, डोमिनार के और भी रिव्यूज़ और डाउट्स रिलेटेड क्वारी के लिए जो है वो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, सेफ राइड एंड बाय बाय।